कुल्लू में बिल्डिंग गिरी। मंडी और उत्तराखंड के घनसाली में बादल फटने से मचा कोहरा। 28 लोग लापता हैं। मैदान से पहाड़ों तक बारिश का कहर ढह रहा है। जी हां, दिल्ली समेत देश के कई शहरों से बारिश से बर्बादी की खबरें सामने आ रही हैं। देश के बड़े इलाकों में मानसूनी आफत बरस रही है। दिल्ली में कल यानी 31 जुलाई को रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। आज भी भारी बारिश का अनुमान है। हिमाचल में कुल्लू और शिमला जिले के करीब बादल फटा है। इसमें करीब 19 लोग लापता बताए जा रहे हैं। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में भी बादल फटने की घटना हुई है और केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड में मरने वालों का आंकड़ा 256 पहुंच गया है। यानी मैदान से पहाड़ों तक बारिश का कहर जारी है। हिमाचल प्रदेश के दो जिलों में बादल फटने से भारी तबाही की खबर भी सामने आ रही है। बादल फटने की घटना कुल्लू और मंडी जिले में हुई है। कुल्लू के रामपुर क्षेत्र के पास स्थित एक पावर प्लांट प्रोजेक्ट के 19 लोग बादल फटने के बाद से लापता है। 20 से ज्यादा मकान जमींदोज हो गए हैं और कई गाड़ियां बह गई हैं। इलाके का स्कूल भी बाढ़ में बह गया है। वहीं मंडी जिले में बादल फटने के बाद एक शव बरामद हो चुका है, जबकि 9 लोग लापता हैं। मंडी जिला प्रशासन ने रेस्क्यू के लिए एयरफोर्स को अलर्ट किया है। मौके पर मौजूद स्थानीय प्रशासन राहत कार्यों में जुटे हैं। एयरफोर्स के साथ ही एनडीआरएफ से भी मदद की मांग की गई है। थल्टू कोड में फंसे हुए लोगों तक पहुंच पाना संभव नहीं हो पा रहा है, इसलिए अब एयरफोर्स और एनडीआरएफ की मदद से लोगों को निकाला जाएगा। हिमाचल प्रदेश के शिमला और कुल्लू जिला के रामपुर से सटे 15-20 इलाके में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। जानकारी के मुताबिक श्रीखंड की पहाड़ियों पर नैन सरोवर के आसपास बादल फटने से कुपरण, समीज और गानवी खड्ड में भयंकर बाढ़ आई है। शिमला जिले के गानवी और कुल्लू जिले के बागीपुल बाजार में नाले में उफान से तबाही हुई है। उत्तराखंड में मंगलवार से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। टिहरी में पहली बारिश हुई और उसके बाद बादल फट गया, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई। केदारनाथ मार्ग पर भी बादल फटा और नेशनल हाईवे का एक हिस्सा सैलाब की भेंट चढ़ गया। इसके अलावा हरिद्वार, नैनीताल और बागेश्वर से भी जल प्रलय की तस्वीरें सामने आ रही हैं। वहीं कुल्लू जिले के नीरमंड इलाके के बागीपुल में 8 से 10 मकान बह गए, जिसमें पटवार खाना, होटल, दुकानें भी शामिल हैं। बागीपुल में 7 से 10 लोगों के लापता होने की सूचना है। इसमें एक ही परिवार के 7 लोग लापता बताए जा रहे हैं। तहसीलदार मौके पर है। कोयल खड्ड तक सर्च अभियान शुरू किया जा रहा है। नीरमंड में कई पुल बह गए हैं, अधिकतर सड़कें बंद हैं। बागीपुल में बस स्टैंड का नामो निशान मिट गया है। 15 गाड़ियां पानी में बह गई हैं। इसके साथ साथ ही ब्यास और तीर्थन नदियों में भी जल स्तर बढ़ा हुआ है। सभी से नदी नलों से सुरक्षित स्थानों पर रहने के लिए अपील की गई है। SDM रामपुर निशांत तोमर घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। सड़क कई जगह बंद होने के कारण टीम 2 किलोमीटर पैदल ही घटनास्थल पर पहुंचने के लिए प्रयास कर रही है। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें समय डिजिटल।